ट अबाउट फाइव विलेज दैट यू शुड विजिट इन यूर नेक्स्ट स्पीति वैली ट्रिप इफ इट्स कमिंग इन नेक्स्ट वीक्स और मंथ्स ये पाँच विलेज आपको विजिट कर नहीं है मतलब मजेदार इसके बिना आपका ट्रिप अधूरा रह जाएगा सही बता रहा हूँ फर्स्ट विलेज इन द लिस्ट इज़ लांगज्जा लांगचा लांगचा बोलते हैं इस विलेज को लोकल लैंग्वेज में वैसे जो इसका अर्बनाइज इस नेम है वो है लांगजा एंड इट्स अ फन फैक्ट कि स्पिति वैली को भी पिति वैली बोलते हैं मतलब पिति बोलते हैं एक्चुअली लोकल लैंग्वेज में इट्स जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलर्स उसे स्पिति बोल दी है पिति भी बोल सकते थे बट दैट्स अ फ़न फैक्ट दैट यू नो नाउ कि पिति वैली बोलते हैं मतलब पिति बोलते हैं बेसिकली इन लोकल लैंग्वेज लांगचा इज़ अ विलेज इन स्पिति वैली जो कि काज़ा से 16 किलोमीटर दूर है और मैं इस वीडियो में सारे जो विलेजेस हैं उसका डिस्टेंस काज़ा से बताऊंगा बिकॉज काज़ा इज लाइक मेन हब ऑफ स्पिति वैली लोग काज़ा ही आते हैं पहले और उसके बाद वहाँ से दे बाइक्स और यू नो राइड ऑन देयर ओन व्हीकल्स और वो एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग विलेजेस तो लांगजा काजा से 16 किलोमीटर्स की दूरी पे है इट्स अ हाई रोड मतलब यू गेन हाइट एंड लांगजा में क्या खास है लांग्जा में देर इज अ बुद्धा स्टैचू मतलब बुद्धा स्टैचू पीक पे है लाइक उसके बाद देर इज जस्ट खाई मतलब प्रॉपर खाई नहीं है इट्स इट्स लाइक डिसेंट बट इट लुक्स अमेजिंग इन पिक्चर्स और वहाँ का व्यू मस्त है मतलब बढ़िया लगता है लांगजा में दो और ख़ास चीज़ें हैं वॉट इज दैट लांगचा लांगचा या लांगजा को विलेज ऑफ द फॉसल्स या फॉसिल विलेज भी बोला जाता है देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल फॉसिल्स इन लांगचा मतलब नियर द एरिया लांगचा तो दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग टू एक्सप्लोर अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं देर आर होम स्टेज एज वेल इन लांगचा तो आप होम स्टेज में रह सकते हैं फॉसल्स देख सकते हैं दूसरी चीज जो बहुत ही यूनिक है ऑफ लांगचा विलेज दैट स्नो लेपर्ड यू कैन सी द स्नो लेपर्ड इन विंटर्स इन लांगचा यस मतलब आप स्नो लेपर्ड की फोटोग्राफी भी कर सकते हैं जस्ट बींग इन द लांगचा विलेज जस्ट आउटसाइड ऑफ काज़ा सिक्सटीन किलोमीटर्स आउटसाइड ऑफ काज़ा सेकेंड विलेज जिसके बिना स्पिति वैली का आपका ट्रिप बिल्कुल ही खत्म अधूरा बिल्कुल ही अधूरा है दैट इज़ कॉमिक दी वर्ल्ड्स हाइएस्ट विलेज कनेक्टेड टू मोटरेबल रोड एट अ हाइट ऑफ अबाउट 16,000 थाउजेंड फीट ये मस्त विलेज है यहाँ पर आपको वर्ल्ड्स हाइस्ट रेस्टोरेंट भी दिखेगा वहाँ से मैगी ज़रूर खाइएगा और सीबकथान जूस मिले ज़रूर पिएगा इट्स अमेजिंग और यहाँ पर वर्ल्ड्स हाइएस्ट मोनीस्ट्री भी है जो कि कॉमिक मोनीस्ट्री है And people play volleyball in summers. <laughs> which I experience in 2018 when I went to my spiti trip in 2018 in June. Kaza se distance comic ka it's 19 kilometers. Fun fact you can do langza, hikkim, or comic 3 in just one day, or you know, you can do them all at once and you can come back to Kaza at 3 p.m.ish. तो आप पूरे एक दिन में लांगजा हक्म कॉमिक कर सकते हैं हक्म विलेज आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट स्पेसिफिक इन दिस वीडियो बट इट्स अ मेंशन कि हिकक्म इज़ द वर्ल्ड्स हाइस्ट पोस्ट ऑफिस तो वहाँ पे वर्ल्ड हाइएस्ट पोस्ट ऑफिस है हक्किम में तो वो भी विजिट कीजिए बट आई एम नॉट गोना मैंशन दैट इन दिस वीडियो सो आप जब भी सर्कल कर रहे हैं तो लांगजा हक्म कॉमिक एक दिन में डन कीजिए कमिंग ऑन टू द थर्ड विलेज ये बहुत ही प्यारा विलेज है इट कम्स ऑन द वे टू मनाली जब आप स्पिति से मनाली जाते हैं तो उसके रस्ते में बीच में पड़ता है एंड इट्स अ स्टॉप वेयर एवरी वन स्टॉप्स मतलब अगर आप मनाली जा रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप लगेगा ही लगेगा आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे एक नाइट दो नाइट जितना भी आपको लगता है स्पेंड कीजिए इट्स एन अमेजिंग विलेज छोटा सा विलेज है इट्स गोज़ बाय द नेम लोसर और लोसर एक ऐसा विलेज है जिसमें लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा कौन सी डेट्स रहती है लोसर फेस्टिवल की आई थिंक इट्स अराउंड द न्यू ईयर एंड इट्स एन अमेजिंग फेस्टिवल मतलब बहुत ही मस्त फेस्टिवल होता है आप उसके टाइम पर भी जा सकते हैं लोसार फेस्टिवल के बट आई वुड रिकमेंड गोइंग देअर वेनएवर यू आर गोइंग टू स्पिति और आप स्पिति से अगर मनाली वाला रूट पर जा रहे हैं अगर नहीं भी जा रहे तो भी लोसार विज़िट करके आइए इट्स अ डे थिंग तो आप लोसार यू कैन गो टू लोहसार एंड कम बैक एंड कम टू काज़ा एट थ्री फोर पी एम एश काज़ा से डिस्टेंस इसका साठ किलोमीटर के करीब है और आपको लग जाते हैं दो घंटे पहुंचने में लोसार फ्रॉम काजा एंड इट्स एन अमेजिंग विलेज जो कल्चर है ना इस विलेज का दैट इज़ अमेजिंग द पीपल ऑफ लोसार आर वेरी स्वीट मतलब मज़ेदार जब मैं अभी अप्रैल में गया था स्पीति वैली में अप्रैल इज स्टिल मंथ जिसमें इतने विजिटर्स या ट्रैवलर्स नहीं आते हैं और आते हैं तो बहुत ही कम लौसार जाते हैं आई वेंट टू लोसार वहाँ पे एक सिंगल गाड़ी नहीं थी मतलब कोई ट्रैवलर था ही नहीं लोसार में The people of Losar were together, and uh, wo, you know, a type of unki meeting chal us time ja, when I arrived in Losar. And it was amazing to talk to Losar people. They served me and two other people that were with me. विद चावल और यू नो दाल लंच हमने लोसार में किया था एंड दे सर्वड होम फूड अमेजिंग होम फूड मतलब मजा आ गया काफी ठंड अप्रैल में ठंड होती है स्पिति में बट द फूड वॉज सो वार्मिंग एंड मतलब लोसार के पीपल दे आर रियली रियली हार्ट वार्मिंग अगर आप समर में जा रहे हैं तो जरूर लोसार विजिट कीजिए मनाली के रस्ते में आता है और अगर आप विंटर में भी जा रहे हैं तो आप लोसर जाके वापिस आ सकते हैं लोहसार के आगे थोड़ा रास्ता खराब हो जाता है कुंजुम पास आता है उसके आगे तो वहां पर स्नोफॉल होती रहती है विंटर्स में इव, इवन इन अप्रैल तो मे एंड जून जुलाई ये ऐसे मंथ्स हैं जहां पे आप मे बी ऑगस्ट में भी आप जा सकते हैं लोसार एंड यू कैन गो टू मनाली उसके बाद चौथा जो ऐसा विलेज है जो कि मेरा टॉप मोस्ट विलेज है मतलब मैं इस बारी अप्रैल में फर्स्ट टाइम वहाँ गया था एंड इट्स सच अमेजिंग विलेज जो पीस आपको इस विलेज में दिखता है वो नेक्स्ट लेवल पे मतलब मतलब सात सात लेवल होते हैं ना उससे भी ऊपर ट्रिपल नाइन लेवल होता है उससे भी ऊपर भाई इतना ज़्यादा पीस उस विलेज में एंड ये ऐसा विलेज है जो कि मोस्टली अनोन है बाई ट्रैवलर्स इवन द यू नो जो होते हैं ना बिल्कुल ही कि यार ऐसी जगह घूमनी है जो बिल्कुल अन नोन हो उनको भी कई लोगों को नहीं पता ये जगह एंड दैट विलेज इज़ लालुंग गूगल मैप्स पे इट शोज एज लाल खास 27 किलोमीटर दूर है फ्रॉम काजा और यू you नो know, अगर आप लालूंग कर रहे हैं तो अगर आप फिफ्थ जो मैं विलेज मेंशन करने वाला हूँ इस वीडियो में वो आप पेयर कर सकते हैं लालों के साथ लालूंग और जो फिफ्थ फिफ्थ में मैं मेंशन करूँगा दोज विलेजेस आर जस्ट लाइक टेन किलोमीटर्स अपार्ट कमिंग ऑन टू द लास्ट विलेज बट ऑबवियसलीज तो बिल्कुल नहीं है मतलब भूल जाओ लीज तो इन जो मैं पाँच विलेज बताएँ इन में से कोई भी ऐसा विलेज नहीं है जो जो आप छोड़ सकते हैं मतलब दे आर ऑल अमेजिंग विलेज हर का अलग अलग थिंग है एंड लास्ट विलेज इज़ ढंकर नाउ ढंकर इज़ अ रियली फेमस विलेज यहाँ पर लोग जाते हैं इट्स अ नोन प्लेस काफ़ी फेमस है, है आइटनरी में रहता है ढंकर इज अ प्लेस जहाँ पे आपको सनराइज जरूर देखना मतलब सनराइज ओवर दी ढंकर मोनेस्ट्री इज इज डैम गुड मतलब क्या बोलूँ मतलब इतना अमेजिंग व्यू है और अगर आप वो सनराइज पे देख लें तो नेक्स्ट लेवल और जैसा कि मैंने बोला ढंकर इज एट टू टेन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लालोंग सो आप इन दोनों को पेयर करके जा सकते हैं एंड देर देयर कॉ बी अ लॉर्ड ऑफ थिंग्स मतलब मैंने एक दिन में ढंकार लालोंग पिन वैली ये सब खत्म किया था तो आप तीनों को पेयर कर सकते हैं यू कैन टॉक टू द टैक्सी यूनियन अगर आप अपने व्हीकल पर आ रहे हैं तो यू नो यू कैन मेक योर ओन प्लान्स बट ढंकार इज़ अ विलेज नॉट टू मिस ढंकार में एक चीज़ बहुत ही खास है ये बोल्डर्स दैट यू आर सींग तो ऑन द स्क्रीन राइट नाउ ये, ये बोल्डर्स मैंने कहीं भी नहीं देखे एंड दीज बोल्डर्स लुक लाइक द कैनियंस दैट यू सी इन मे बी यू एस जो यू एस के बहुत ही फेमस कैनियंस हैं वैसे लगते हैं ये बोल्डर्स और मैं देख कर हैरान हो गया था कि वाओ दीज बोल्डर्स कैन एग्जिस्ट इन इंडिया दीज बोल्डर्स लुक अमेजिंग मे बी जो कैनियन ऑफ इंडिया करके मे बी इन द साउथ और यू नो पुणे साइड पर है तो शायद वहाँ पे भी हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर ऑफ इट बट स्पिति में ऐसे बोल्डर्स देखने दैट वॉज अमेजिंग दैट वॉज एन अमेजिंग साइट टू सी नाउ अगर आप ढंकर जा रहे हैं तो ढंकर में काफ़ी चीजें हैं करने वाली ढंकर लेक का ट्रैक है इट्स अ शॉर्ट ट्रैक मतलब इट्स अ डे हाइक बट इट अमेज़िंग ट्रैक मतलब ढंकर लेक लुक्स अमेजिंग इन द समर्स विंटर में इट्स अ फ्रोजन लेक सो कोई बात बनती नहीं है फ्रोजन लेक देखने की अगर आप स्टिल अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं बट इट्स इट्स अ ट्रैक दैट शुड बी डन इन समर्स एंड ढंकर लेक लुक्स एब्सोल्यूटली मैग्निफिसेंट ढंकर इज अबाउट थर्टी थ्री किलोमीटर्स अवे फ्राम गाज़ा और जैसा कि मैंने बोला कि लालों के बहुत पास पड़ता है गूगल मैप्स में शो कर रहा है तेरह तेरह किलोमीटर बट इट इज़ टेन किलोमीटर मैं यही बोलूंगा टेन किलोमीटर के करीब है लालंग मतलब लालंग ढंकर से सो आई वेंट टू ढंकर फर्स्ट डेट माई छोटा सा ब्रेकफास्ट डेयर और उसके बाद आई वेंट टू लालंग स्पेंड टू आवर्स टू टू पॉइंट फाइव आवर्स आराम से चिल चिल मार के एंड उसके बाद आई वेंट टू पिन वैली सो so, ऐसा आप बना सकते हैं आइटनरी अब मैं प्रॉपर अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं बता दूंगा आइटनरी ऐसा कुछ नहीं है बट या दिस कैन बी डन एंड अगेन ढंकर में जैसा कि मैंने बोला सनराइज मिस नहीं करना ढंकर ढंकर लेक का ट्रैक कर सकते हैं आप आराम से आप ढंकर में टू डेज रुक सकते हैं देर आर होम स्टेज देयर एज वेल और देर आर टू मोनेस्ट्रीज एक जो बहुत पुरानी वाली मोनेस्ट्री है एंड इट लुक्स फैबुलस मतलब बिल्कुल ही अलग ही बनी है मोनेस्ट्री एज कम्पेयर टू अदर्स और उसके पीछे बैकड्रॉप में इतने सही स्पीति वैली के जो माउंटेन्स आते हैं इट लुक्स अमेजिंग एंड देर इज अ पॉइंट मतलब जो ढंकर की पुरानी वाली मोनेस्ट्री है ना तो आप साइड से ना ऊपर जा सकते हैं बिल्कुल टॉप पे टॉप पे अगर आप, आप जाएंगे सनराइज के टाइम पे दिस विल ब्लो योर माइंड मज़ा आ जाएगा एंड आई वेंट देयर ऑब्वियसली मैं साइड के व्यू से गया अंदर एक्चुअली जो लामा थे दे ए स्लीप तो उन्होंने मेन दरवाज़ा नहीं खोला सो आई कूडन गो टू द मेन मोनेस्ट्री मतलब इन साइड बट ऊपर वाले व्यू से गया एंड व्यू देखा मस्त मज़ा आ गया डंकर इज द फिफ्थ विलेज दैट यू शुड नाट मिस ऑन योर स्पिति वैली ट्रिप ये पाँच विलेज में से एक भी मिस करने वाला नहीं है कर दोगे तो मजा नहीं आएगा सीरियसली <laughs> बोल रहा हूँ मजा नहीं आएगा दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो पांच के पांच रिलीज करने हैं भाई विजिट आपके अगले स्पीति वाली ट्रिप पे जरूरी है दैट्स इट फॉर दिस वीडियो बी एन पी आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो आई मीन मोर देन एनी थिंग दिस वीडियो वॉज information packed and i hope that you visit these beautiful places and experience what i have experienced in the i mean in the past two trips that i have been to spiti and if you haven't subscribed to my channel yet i mean what are you doing even do it right now and share this video with your friends and family so they can also get to know about these villages and they will visit these villages when they are next time in spiti valley i will see you guys in the next one till then peace out bye bye and keep washing your hands bro